भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर ने ब्यावर नगर परिषद में सेवारत लोकवास्तु मिस्त्री अशोक जादम पर शिकंजा कसा है। ब्यूरो ने अजमेर निवासी विक्रम सिंह बेदी की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर 2 मई 2023 को मामला दर्ज कर इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग को पत्र लिखकर सूचित किया गया। याद स्वीकृति मिलने के साथ ही एसएबी अपना काम शुरू करेगी। एसएबी को मिली शिकायत में जादम पर सेवा में रहते नियम विरुद्ध तरीके से निर्माण व अन्य से संबंधित ठेके अपने परिजन व परिचित के नाम से लेने की जानकारी दी गई है। शिकायतकर्ता बेदी ने परिषद प्रशासन को दी शिकायत में बताया कि नगर परिषद में कार्यरत अशोक कुमार जादम अपने पुत्र प्रवीण जादम के नाम से मैसर्स पवन एंटरप्राइजेस व दीपक एंटरप्राइजेस के नाम से फर्म बनाकर अपने पद का दुरुपयोग किया है। अब तक उन्होंने कंप्यूटर विद मशीन सहित अन्य कई ठेके लिए हैं। शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि परिषद के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की मेहरबानी से जादम ने पिछले 2 साल में अधिकांश ठेके अपने परिचितों के नाम से लिए हैं। जादम पर आरोप है कि शहर में नगर परिषद के माध्यम से होने वाले बड़े निर्माण कार्य को छोड़कर अधिकांश ठेके इनके परिजन या परिचित के फर्मों को ही जारी किए गए। फिर इनमें चाहे परिषद में कंप्यूटर विद मैन, पैरोब्लॉक, गार्डन, रखरखाव, आश्रय स्थल, शहरी मनरेगा में पौधारोपण के लिए ट्री गार्ड सहित पौधे सप्लाई करना हो, स्वास्थ्य शाखा को सफाई संबंधी उपकरण उपलब्ध कराने, विभिन्न स्थानों पर बर्डा डालना हो, अन्य स्थानों पर नया निर्माण हो, सफाई के लिए अस्थायी श्रमिक उपलब्ध कराना हो, महंगाई राहत कैंप में व्यवस्थाओं को सुचारू करना हो या फिर परिषद बिल्डिंग का रंग रोगन और घड़ी की सार संभाल आदि के ठेके उन्होंने अपने परिचितों तथा परिजनों के नाम से लिए हैं। ऐसे में एसीबी की जांच शुरू होती है तो फिर ऐसे सभी टेंडरों की जांच होगी। यदि इनमें कर्मचारी की संलिप्तता पाई गई तो एसीबी संबंधित कर्मचारी सहित इन शाखाओं से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से भी जानकारी ले सकती है। इतना ही नहीं, बताते हैं कि इनकी ऐसी ही किसी एक फर्म से हाल ही में सफाई भर्ती प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र भी जारी करने की चर्चा है।